अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू महेश फूड एंड लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट ब्रेड का डेजर्ट या फिर ब्रेड रसमलाई, जिसे बनाने में आपको कम मेहनत और इंग्रेडिएंट्स लगेंगे लेकिन टेस्ट में होगी 100% परफेक्ट विद सेटिस्फेक्शन गारंटी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया है मिल्क, फुल फैट मिल्क है ये 1 लीटर, और इसको हमें कर लेना है थिक और इसकी कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। हमें इसको साथ साथ चलाते रहना है और इसमें बॉयल भी आना स्टार्ट हो चुका है। जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो ये साइड्स में हमारा मलाई छोड़ देगा, तो उसको हमें रिमूव कर देना है। और हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं केसर वाला मिल्क, जिसमें मैंने गर्म दूध लिया था 2 टेबल स्पून और उसमें मैंने केसर ऐड कर दी थी, तो वो हमने मिक्स करके और बॉयल किए हुए मिल्क में ऐड कर देना है। उसके बाद हमें इसको चलाना है, हमें इसको कंटिन्यूसली चलाते ही रहना है ताकि ये हमारे जो साइड्स में है जो मलाई है उसको हम रिमूव करते रहें साथ साथ। ये हमें बिल्कुल रबड़ी की तरह बना लेना है। फिर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है इलायची पाउडर, इसकी वजह से जो फ्लेवर है रसमलाई का वो बहुत ही बढ़िया आने वाला है। फिर हमने यहाँ पर ऐड कर दी है शुगर, शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, बट मैंने यहाँ पर 4 स्पून ली है शुगर। इसके बाद हमें इसको दोबारा से चलाना है और इसको थिक कर लेना है। थिक ज़्यादा भी नहीं करनी है, बट बस ये है कि हमारी जो स्पून है उस पर एक कोट सी बन जाए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 4 to 5 ब्रेड और ब्रेड के हम ग्लास से या फिर किसी भी कटर की हेल्प से इस तरीके से गोल शेप में कट कर लेने हैं। ये देखिए रेडी हो चुकी है हमारी रबड़ी भी, तो अब हमें कर लेना है इसको सर्व। तो हमने ब्रेड स्लाइसेस जो गोल कट किए थे उसको हमें एक सर्विंग डिश में सर्व कर लेना है और उसके बाद हमें इसके ऊपर डाल देना है जो हमने क्रीमी मिल्क बनाया है उसको ऐड कर देना है ऊपर से, क्योंकि ये वैसे भी थोड़ी देर रखने के बाद ना थिक हो ही जाता है मिल्क, तो इसके ये जो हमने बनाया है अदरवाइज हमें इसको ज़्यादा नहीं बनाना है थिक। उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे आमंड से। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाएं तो ये बढ़िया सा डेजर्ट बनाकर आप उनको ज़रूर खिलाइएगा, उनको बहुत पसंद आने वाला है। तो आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।